हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी आज है फिफ्थ जून 2020 देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है वहाँ से आप इसकी पी डाउनलोड कर सकते हैं सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली आई एम अनाउंसड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ डॉलर सेवन थर्टी टू मिलियन टू विच कंट्री टू फाइट अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन हाल ही में आईएमएफ ने कोविड नाइन्टीन से लड़ने के लिए किस देश को सात सौ बत्तीस मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की है तो आईएमएफ ने बांग्लादेश को सात सौ बत्तीस मिलियन डॉलर फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की घोषणा की है तो बांग्लादेश है इसका करेक्ट आंसर तो अब आई ने बांग्लादेश को ये असिस्टेंस देने की घोषणा की है तो पहले बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है इंडिया के बिल्कुल साथ में यहाँ इस जगह पर बांग्लादेश कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की ढाका प्रेजेंट यहाँ के अब्दुल हमीद प्राइम मिनिस्टर यहाँ के शेख हसीना करंसी यहाँ की बांग्लादेशी ढाका अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।, तो फंड है फुल फॉर्म आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो इसका पर्पस है टू प्रोमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन प्रोमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन ये है इसका पर्पस फार्मेशन हुई थी इसकी आईएमएफ की ट्वेंटी दिसंबर 1945 फाइव ये हुई थी इसकी हेड क्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी देन मेंबरशिप है हैं इस वक्त इसके साथ वन मेंबर्स और जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वह है क्रिस्टलाइन जॉर्जिया क्रिस्टलाइन जॉर्जिया ये है इसके इस वक्त करंट मैनेजिंग डायरेक्टर तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू आईएमएफ एंड बांग्लादेश नेक्स्ट क्वेश्चन वेटरन पॉलिटिशन अजीत जोगी पास अवे ऑन मई ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी एट द एज ऑफ सेवेंटी फोर ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेट विवृद्ध राजनीतिक अजीत जोगी का निधन उनतीस मई दो हज़ार बीस को चौहत्तर वर्ष की आयु में हुआ वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे तो वेटरन पॉलिटिशन अजोत जोगी जिनका हाल ही में निधन हुआ वह छत्तीसगढ़ के चीफ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के वे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे तो अब छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर थे तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं तो, ये है यहाँ पर छत्तीसगढ़ फर्स्ट नवंबर 2000 में ये सेपरेट हुआ था मध्य प्रदेश से और अलीदा बन गई थी स्टेट कैपिटल यहाँ की रायपुर गवर्नर है अनुसुया ओके और चीफ मिनिस्टर यहाँ के भूपेश बेंगल जो तो कि इंटरनेशनल कांग्रेस से है तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग छत्तीसगढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज़ बैंड द एंट्री ऑफ पीपल फ्राम महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड नाइन्टीन वायरस किस राज्य ने महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि कोविड नाइन्टीन वायरस का प्रसार हो सके तो ये किया है कर्नाटका ने कर्नाटका ने बैन लगाया है एंट्री ऑफ द पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात तमिलनाडु और मध्य प्रदेश इन लोगों को अपने स्टेट में आने के लिए कर्नाटका ने बैन लगा दिया है ताकि कोविड नाइन्टीन से लोगों को बचाया जा सके तो ये कर्नाटका ने ये बैन लगाया है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन लेफ्टिनेंट गवर्नर जे एंड के लॉन्च मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड सेलरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू एम्प्लॉज़ वट इज़ द नेम ऑफ एप एल जी जे एंड के यानी एम एम मुर्मू एम एम मुर्मू इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के इन्होंने अभी हाल ही में कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तो उस ऐप का नाम क्या है तो जे एंड के गवर्नमेंट ने जो हाल ही में मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है मेरा वतन तो ये मेरा वतन ऐप अभी हाल ही में जे एंड के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और इसका क्या मेन फंक्शन रहेगा इसमें जो एम्प्लाइज़ हैं जे एंड के वो अपनी सैलरी की तमाम डिटेल्स कहीं पर बैठ कर भी किसी भी टाइम वो अपनी तमाम सैलरी डिटेल्स वो जान सकते हैं देख सकते हैं और इस ऐप के अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी जैसे जी से रिलेटेड एनपीएस सब्सक्रिप्शन अलाउंस डिडक्शन जीपीएफ एनपीएस स्टेटमेंट इनकम टैक्स स्टेटमेंट एसएलआई स्टेटमेंट तो ये तमाम सैलरी जो है वो इन तब तम ये तमाम सैलरी डिटेल्स वो आप अपने मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं तो ये ऐप जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च की है तो जम्मू एंड कश्मीर ये पहले स्टेट थी अब ये थर्टी फर्स्ट अक्टूबर से ये यूनियन टेरिटरी बन चुकी है और इसके दो हिस्से हो गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के एक तो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू एंड कश्मीर अलीहदा यूनियन टेरिटरी है और ये जो ग्रीन कलर का है ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और ये ये जो लाइन है इट इज़ कॉल्ड एल ओ सी लाइन ऑफ कंट्रोल तो गुलमर्ग गंडोला इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट रोप वे इन इंडिया गुलमर्ग कश्मीर के अंदर गुलमर्ग जगह है टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ गंडोला है दैट इज़ द हाईएस्ट रोप वे इन इंडिया हैविंग ए टोटल एरियल डिस्टेंस ऑफ आलमोस्ट फाइव किलोमीटर्स या आपको याद रखना है कश्मीर का जो वाजवान है इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल डिशज इन कश्मीर दैन हज़रतल श्राइन ये भी एक हॉलेस्ट श्राइन है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेस्ट भी है ये जहाँ लोग जाना पसंद करते हैं इट इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर एंड हाउस इज़ इस ऑफ हेयर बिलीव टू बी दैट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद और यहाँ ये माना जाता है कि इस हज़रत बल श्राइन के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मुह मुबारक यानी उनका बाल है ये माना जाता है कि ये इस हज़रत बल श्राइन के अंदर है इसलिए लोग यहाँ इस श्राइन के अंदर जाना पसंद करते हैं इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ कश्मीर कश्मीर इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साफरान इन इंडिया एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड तो कश्मीर के अंदर साफरान यानी केसर वो इंडिया में सबसे ज़्यादा यहीं प्रोड्यूस की जाती है और कश्मीर के अंदर और थर्ड लाजर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो वर्ल्ड का और अभी हाल ही में uh, साफरान को जी टैग भी मिला है और ये कश्मीर में पामपुर में मिलता है ये आपको याद रखना है अमरनाथ केव कश्मीर में एक और टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ लोग जाना पसंद करते हैं अमरनाथ केव जहाँ इंडिया से तमाम लोग जो है वो यात्रा के लिए अमरनाथ केव में जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि अमरनाथ केव वाज फाउंडेड बाय मुस्लिम शेफर्ड नेमलेस बूटा मलिक तो ये इसको फाउंड किया था बाय मुस्लिम शेफर्ड बूटा मलिक तो ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वाज द तेलंगाना फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस ये कब मनाया गया तो ये मनाया गया है सेकंड जून को सेकंड जून को तेलंगाना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट अभी हाल ही में किया गया अब दो जून को क्यों सेलिब्रेट किया गया क्योंकि टू जून को दो जून को ये जो तेलंगाना है ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और उस वक्त का ये ट्वेंटी नाइन्थ स्टेट बना अब उस वक्त का ट्वेंटी नाइन्थ स्टेट क्यों क्योंकि उस वक्त इंडिया के अंदर ट्वेंटी नाइन स्टेट थी लेकिन बाद में जम्मू एंड कश्मीर वो यूनियन टेरेटरीज को बना दिया गया तो एट प्रेजेंट इस वक्त ट्वेंटी एट सीट्स हैं तो ये आपको याद रखना है कि उस वक्त का जो है ये ट्वेंटी नाइन्थ स्टेट बनी थी जिस वक्त जिसको सेपरेट किया गया था टू थाउजेंड एंड फोरटीन में सेकेंड जून टू थाउजेंड फोटीन में नेक्स्ट क्वेश्चन विराट कोहली इज़ द ओनली क्रिकेटर इन फोर्ब्स ट्वेंटी ट्वेंटी लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हाइस्ट पेड एथलीट वट इज़ हिज़ रैंक फोर्व की 2020 की दुनिया के सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीट की सूची में विराट कोहली केवल एक ही क्रिकेटर हैं और उनकी रैंक इस फोर्वस लिस्ट में कितनी है तो विराट कोहली जो कि सिर्फ एक ही क्रिकेटर हैं इस फोर्प्स की लिस्ट में हाईएस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट तो इनका इनकी जो रैंकिंग है इसमें वो नंबर एट है और नंबर वन पर है इसको मैंने आपको कल ही बताया था रॉगर फेडरर वो इस लिस्ट में टॉप पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैड रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई जिन्हें हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है वह कौन है तो अरुण सिंगल इनको अभी हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एफ एस एस ए आई के नए सी ओ के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया है अरुण सिंगल को तो अब एफ एस एस ए आई ये इसका काम क्या है इसका काम है ये सुपरविज़न और रेगुलेट करती है फूड सेफ्टी को ताकि लोगों का जो पब्लिक का जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और उसको प्रमोट किया जा सके ये है एफ एस एस आई ए आई का काम इसकी फार्मिशन हुई थी अगस्त टू थाउजेंड एंड अलेवन में जूस देखिए इंडिया के अंदर हेड हेडकोर्टर इसका न्यू डेली एजेंसी एग्जीक्यूटि रिटा चोटिया इसके चेयरपर्सन हैं एंड अरुण सिंगल इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं तो ये थी एफ एस एस ए आई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ रिसेंटली रीलॉन्च संबल योजना फॉर दलित ट्राइबल्स एंड पुअर्स हाल ही में जिसने दलितों और आदिवासियों और गरीबों के लिए सुंबल योजना को फिर से लॉन्च किया है तो वह कौन सी स्टेट है तो वह है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अभी हाल ही में ये सुंबल योजना अभी हाल ही में ट्राइबल्स एंड पुअर्स के लिए मध्य प्रदेश में लॉन्च की है तो ये या आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू प्रिपेयर वन लैक बेड्स फॉर कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स जो कोविड नाइन्टीन रोगियों के लिए एक लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बना है तो वह कौन सा है तो वह यूपी है यूपी जो है फर्स्ट स्टेट बनी है जिसने कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स के लिए वन लाख बेड्स जो है वो तैयार किए हैं तो ये यूपी ने किया है तो यूपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं ये है इंडिया का मैप और ये है रेड कलर का यूपी स्टेटवुड मिली थी इसको ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन में कैपिटल यहाँ की लखनऊ गवर्नर यहाँ के आनंदी बेन पटेल चिफ्स यहाँ के योगी आदित्यनाथ बीजेपी से हैं एरिया में जो इसका रैंक है इंडिया के अंदर वो फोर्थ रैंक है और पॉपुलेशन में इसका रैंक फर्स्ट है यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वह है स्वैम्प डियर स्टेट बर्ड है यहाँ का सैरसक्रैन स्टेट ट्री अशोका ट्री स्टेट फ्लावर पालाश स्टेट डांस है यहाँ का कथक डांस और स्टेट स्पोर्ट है यहाँ का हॉकी तो ये थी इससे रिलेटेड यूपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिल फॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड मिल्क डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज विश्व दुग्ध दिवस निम्न निम्न में से किस दिन बनाया जाता है तो वर्ल्ड मिल्क डे ये बनाया जाता है फर्स्ट जून को फर्स्ट जून को वर्ल्ड मिल्क डे बनाया जाता है और इसका पर्पज़ क्या है इसका पर्पज़ है कि लोगों को अवेयर किया जाए अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन ह्यूमन लाइफ कि मिल्क और इसकी जो जो इसके प्रोडक्ट्स हैं ह्यूमन है, लाइफ में इनका क्या महत्व है ये लोगों को अवेयर करने के लिए यह दिन बनाया जाता है और मिल्क डे इज़ सेलिब्रेटेड टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ जनरल पब्लिक अबाउट द बेनिफिट्स दैट योर हेल्थ कैन गेट फ्रॉम द मिल्क यानी आपका जो हेल्थ हेल्थ में मिल्क के क्या, क्या क्या बेनिफिट्स हैं लोगों को इस बारे में अवेयर करने के लिए ये दिन फर्स्ट जून को बनाया जाता है और इस साल का जो थीम है वह ट्वेंटी एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड मिल्क डे ये है इस साल का थीम इसका तो ये थी आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिले रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि डेली बेस पे इन वीडियोज़ को देखा करें काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं खास करके अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए दैन आगे बैंकिंग के एग्जाम्स भी आ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं चाहे वो जेके एस एस बी से रिलेटेड हों या पी एस सी से रिलेटेड हों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है इसमें हम एक तो करंट अफेयर्स भी अपलोड करते हैं और साथ में इनसे रिलेटेड जो जितने भी जीके फैक्ट्स हैं वो भी हम डेली बेस पे आपके लिए अपलोड करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हो जाती है काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको इन वीडियोस में देखने को मिलती है ओके थैंक्स बेस्ट ऑफ लक एंड एज़ ऑलवेज गॉड ब्लेस यू